नर्मदे हर। देखिए प्रभु, अभी हम हैं, ये बोला जाता है सिद्धेश्वर आश्रम, सिद्ध घाट भी बोलते हैं उसको, और ये पावन चांदरानी करके एक जगह है और जो डिंडोरी जिले में पड़ती है, और ये जो जलधारा बह रही है इसको गोमती नदी कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे का एक और हमने वीडियो बनाया था, जी हाँ आप सही पकड़े हैं, वो जिसमें पत्थर के शंख बनाए थे और कई मूर्तियां बनाई थीं, वो भी गोमती नदी के किनारे का ही था और गोमती संगम पे था। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, तो अभी संत महात्मा शायद कहीं हैं, ढूंढ रहे हैं उनको, अगर मिल जाते हैं। स्थान बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए हम बार बार आपको देखो ये दिखा रहे हैं, ये बहुत सुंदर घाट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही आनंद मिलता है। चलिए आ जाते हैं महात्मा जी, तो दर्शन करते हैं और वही एक ही प्रसाद लेना होता है, भगवान से क्या प्रसाद मिलने वाला है। आइए देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर, नदी के बिल्कुल किनारे पे आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ, ये देखो है ना, नदी के बिल्कुल किनारे पर ये धाम बना हुआ है, इसको कहते हैं सिद्धेश्वर धाम जी। ये देखिए भगवान शिव, वाह, ये जय हो प्रभु की। नर्मदे हर, इसमें संत भगवान के रहने के लिए देखिए कमरा भी है, और इधर संत भगवान जब बैठते हैं तो भक्त लोग उनके साथ सत्संग करते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है नर्मदे हर, ये देखिए सामने, देखिए बिल्कुल गोमती नदी के दर्शन। नर्मदे हर, ये देखिए सामने गोमती नदी, देखिए जलधारा बह रही है, संत महात्मा। नर्मदे हर, भगवान नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। भगवान अपना शुभ नाम? हमारा है शुभ नाम निर्माण लक्ष्मण दास उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। बड़ा उदासीन, हाँ। अच्छा अच्छा, ये हमारा है, भगवान श्रीचंद के पुजारी है। अच्छा, क्योंकि वह सबका आचार्य है जी, गुरु नानक के पुत्र थे बाबा श्रीचंद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्हीं की पद्धति है सब निर्माण साधु, उन्हीं की पद्धति में चले। याद उदासीन है वैसे तो, सनक सनक नंदन सनातन सनत कुमार, जब वहाँ से उदासीन की परंपरा चली है। अच्छा। बाकी भी सब बंटवारा होते गए, लड़ झगड़ के अलग अलग तेरा अखाड़ा बने हैं, वो अब अलग बात है जी। इसमें भी सब संघर्ष से बने हैं, संघर्ष तो हर हाँ। उसमें है भगवान, चाहे साधु जीवन हो या ग्रस्त जीवन हो। मैं सबसे महान पंथ है उदासीन, उदासीन हाँ, वो जड़ है। अच्छा अच्छा भाई, ये सभी से सबसे प्रथम जन्म हुआ था सनक सनक नंदन सनातन सनत कुमार को, ये याद उदासी है। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, फिर दत्तात्रेय महाराज के वहाँ से फिर सन्यासी उनका जन्म हुआ, नवनाथ के पास से नाथ उनका हुआ, तुलसीदास के पास से वैरागी उनका हुआ। अच्छा अच्छा भाई, तुलसीदास ने प्रथम श्रेणी पाई भगवान राम की, उन्होंने दर्शन पाया, हनुमान जी उनके इष्ट रहे, आज उनके हिसाब से वो चल रहे, वो ब्राह्मण पद्धति है बरागी उनकी, यहूदी पद्धति है, ऐसा है। तो यहाँ भगवान कब से हैं इस आश्रम पे? मैं इस आश्रम को 2017 से हूँ यहाँ। 2017 से, हाँ, यानी लगभग 7 वर्ष हो गए। 7-8 वर्ष, 8 वर्ष चल रहा है, 8वां चल रहा है। तो इससे पहले भगवान रामघाट में रहते थे क्या? हाँ, रामघाट में इससे पहले। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत अच्छा स्थान है रामघाट, भाई के बहुत अच्छे सुंदर दर्शन होते हैं। हाँ।
वहाँ माई के धार में राम लिखा हुआ है। अच्छा, धार में राम लिखा है। ये भगवान हमने महसूस नहीं किया। अब जाओगे ना तो नाला किनारे वो बीच बीच डीप है, दो शांति बनी है, वहाँ खड़े होके देखना उधर की जो धार है वो रा अक्षर से आई है। अच्छा, रा बने हैं बीच में, उसको उस आके सीधे मिली है। वो हो गया और जो वहाँ से सीधा नाला गया है इधर। अच्छा। तो वो आ की मात्रा हो गई, रमी आ की मात्रा। और ये नाला जो है ये बराबर म बना है। ये इधर से नाला गया तो वो पूरा म बना है। तो वहाँ से यहाँ तक में पूरा राम होता है नाला के। अच्छा, ये वहाँ भी किसी ने हमें नहीं बताया। ये तो बहुत अद्भुत चीज़। नहीं तो वो देखो अब जिस नजर 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 देखने नजर से देखने में पड़ता है। नजर नजर से अब जिसने वो नजर से वो जरिया से देखा तो उसको वो दिखा। अब जो वो जरिया से देखते थे वो तो धार बहरी ये देखता है। बस वही भाव की बात है जो अभी बात कर रहे थे। भाव अगर आपके ऐसे बन गए तो हम राम और म के बीच में, रा और म के बीच में हम रहे वहाँ। अच्छा, रा और म के बीच में आपका स्थान था। अरे वाह, बहुत। और वहाँ बहुत कुछ मिला मेरे को। अच्छा, उसके बाद में जी के जो धार है उसमें उसके बाद में फिर तक कई जगह फिर एक साथ नाम आता उसके है। जो बात हुई ना ये जगह हमारी है। उसके बाद में पूरे चतुर्मास एक साल तक के मतलब वो पुलिया के पास में एक पन्नी लगा के मैं एक साल तक के वहाँ रहा फिर। अच्छा, भगवान इस जगह पे आना कैसे हुआ? पहले से ये जगह आपके परिचय में थी क्या? ऐसा नहीं रहता है, वो जगह का बुला हुआ होता है। अच्छा, वो जगह फिर वो जगह पे खींच के लाती है किसी प्रक बहाने, और वहाँ आते हैं तो फिर एकदम से शांति मिल जाती है। अच्छा, ये हो जाता है। मतलब पहले से कुछ जुड़ा होता है तभी उस जगह में आदमी ये कर सकता है। अचानक कोई भी चीज़ नहीं होती, पहले का पुण्य प्रकट होगा तो तभी कोई चीज़ होती है। वही तो भगवान मैं भी समझता हूँ। जैसे कि आपका गुरु स्थान कहाँ पे भगवान? मथुरा। मथुरा, मथुरा। जैसे मान लीजिए आपने गुरु दीक्षा ली, संन्यास लिया, अब वहाँ से बिछड़ते 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 यहाँ आ गए। तो कभी कभी ये लगता है कि कोई ऐसी कोई दैवी शक्ति है जो मतलब खींच के ले जाती है क्या? वही होता है। जहाँ हमारे पूर्व पहले हमने कुछ किया करके रखा है, भजन किया है, जैसा भी किया है, थोड़ा किया होगा बहुत किया होगा, ये तो अब उनको नहीं है ज्ञान, वो तो वही जानते हैं। तभी वो जगह अपने को फिर खींच के लाती है वहाँ और उसको पूरा करवाती है। पूरा करवाती है। हाँ, और वो धरती हम धरती का भार उतारने के लिए ही संत बनते हैं। इसका मतलब है भगवान पूर्व जन्म में इस जगह से आपका कुछ जुड़ाव रहा होगा। हाँ, चाहे भले ही यहाँ तपस्या करी होंगी, चाहे जैसा भी हुआ, तो यहाँ हमारा पहले से जी, चाहे यहाँ से 5,000 साल पहले का हो, पर मगर यहाँ कर्म बना हुआ है, इसलिए यहाँ हमारे लिए अन्न जल भी है जी, लोगों का प्रेम भी है, सभी चीज़ें एकत्र होती है। जब पुण्य प्रकट होता है सभी चीज़ प्राप्त होती है। जब पुण्य का विनाश होता है तो फिर अपने भी दुश्मन बन जाएंगे, फिर वहाँ जीने से भी चले जाएंगे जी। क्योंकि यही हमारी सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि हमारे कहाँ कितने दिन का भाग्य लिखा है। अच्छा, जहाँ हमारी खटपट दिखने के लगे तो हम समझ लेते कि अपने यहाँ से अपना भाग्य के यहाँ ख़त्म है, तो अपने खटपट से पहले अपने सुधार लो फिर। ऐसा भी है जी, बिल्कुल भाई, जगह बता देती है, भाव बता देता है आदमी के अंदर। गलत भाव अगर उठने लगे तो समझ लो यहाँ ख़त्म है। और जब तक शांति का भाव अगर प्रकट होता है, सब जुड़ा रहेगा। अब हमसे यहाँ से नहीं, अब ये डिंडोरी जिला में हमारे लिए सब सबके पास में प्रेम है। हम कोई भी बस्ती में चले जाएंगे, तुम्हारे रामगढ़ बड़ी बिछिया कोहका सिमरिया मानिकपुर चांदरानी कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी घर में हमारे लिए दरजवार नहीं लगेगा। अच्छा, सभी परिचित है आपसे? सबका प्रेम बराबर है, सबका प्रेम। किसी घर में अगर चले जाएंगे तो हमारे प्रति दरवाजे में ताला नहीं लगेगा। हमको बैठा देंगे, भले ही कोई काम हो चले जाएंगे, हमको छोड़ के मगर दरवाजा लगा के नहीं जाएंगे। अरे हमने जिंदगी में ऐसा कभी किसी का 1 रुपये बेईमानी से नहीं लिया, चाहे चोरी नियत हराम करके या किसी ठगने के हिसाब से। कोई नहीं, भगवान से वही मांगते कि तू जो भाग्य में वही थे उसी में खुश है। और हमारा जीवन ऐसे चली भी है, जिसने हाथ पे डाल दिया उसी को भगवान। या फिर भोजन पानी की व्यवस्था सब कुछ करता है हमारी,
सब प्रभु से, सब प्रभु से चलती है, वही सब लाके समय पे आपके अंदर बैठ गया, आपके भाव में आके आपके आत्मा होगी कि वहाँ बजाना है जी, हम जाके वहाँ दो पैसा देना है जी, चाहे अन्य वैसे भी जिसकी भाव बने तो नहीं, आपको यहाँ कोई तीर्थ स्थान नहीं है जी, ना कोई पब्लिक आवागमन नहीं है, गाएंगे तो गाँव के, जाएंगे तो गाँव के, वही तो पर देख रहा हूँ भगवान कि स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब दूर से लोग चल के आए, इतना मतलब तीर्थ स्थान जिसे कहा जाए, सही कहा आपने कि इतना फेमस नहीं है, जिसके भाग्य जिसके डब्बा में हमारे भाग्य का आएगा जी, वो किसी न किसी बहाने लेके यहाँ जरूर पहुँचेगा, मतलब आपका हिस्सा अगर कहीं भी रखा होगा पृथ्वी के किसी कोने में, वहाँ से चल के यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा जी। अभी कुछ लोग आवाले हुए आजू बाजू, कभी किसी के घर में गए होंगे मेरे को फलानी चीज़ चाहिए ऐसा, कभी भिक्षा के लिए नहीं जाते आप? कभी नहीं। हाँ पैसे प्रेम से बैठने गया तो कुछ नहीं दे दिया, वो बातें का लगा है पर ये नहीं कि भाई तुम्हारे मेरे को पहले चीज़ दो, ठिकानी चीज़ दो, या मैं यहाँ कोई प्रकमवासी आ गए 10-20 तो घबरा गए थे, किसी को फ़ोन करके बुला रहा हूँ कि सामान लेके आओ, बोले ना कभी उतना रहेगा जितना मेरे पास में आने वाला है उतना मेरे पास में आ जाएगा। अभी कोई भूख अगर फलारी आता है तो भगवान पहले ला के फल ला के हमारे पास में पहुँचाएगा, हम जान जाएंगे क्योंकि फलारी आ रहा है हमारे पास। अरे भाई कोई उसके फलार की व्यवस्था हो गई जी जी, तो हम जान जाएंगे क्या कोई ना कोई रास्ते में है, है आएगा वो, क्योंकि हमारे हमारे पास में व्यवस्था ऐसी आई है जी जी, हमारी व्यवस्था को हम जान लेंगे कि हमारी व्यवस्था किसके लिए आई है। दाल चावल आ रहा है तो कोई फलारी वाला नहीं आएगा, भोजन ही पाने वाला आएगा, तब ऐसा रहता है। पैतृकवासी आते हैं यहाँ पर 100-150 150-150 तक के आ जाए, तो नर्मदा जी की परिक्रमा वाले हाथ से निकलते हैं? बिल्कुल खूब फूल निकलते हैं। अच्छा, कम से कम 3-4 हज़ार लोग गर्मी भर में निपट जाते हैं। तो यहाँ से नर्मदा जी तो काफी परिक्रमा मार गए यहाँ पर क्या? हाँ परिक्रमा मार, वहाँ बोंदर से सीधे निकल जाते हैं एकदम मंडला। अच्छा ये बात, हाँ ये डिंडोरी वाले पूरा राउंड कट जाता है। तो रामघाट नहीं जाते क्या? नहीं जाते उधर भी, उधर वाले जिसकी इच्छा है तो उधर से भी जाते हैं। अच्छा, जिसको शॉर्टकट निकलना तो शॉर्टकट रास्ता ही है। अच्छा, शॉर्टकट इधर से निकल जाते हैं, बीच में डिंडरी उंडरी ना रुक के सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जी जी। कैसा लगा? कम से कम 3,000 से अधिकांश परिक्रमवासियों के हमने मुँह से सुना कि डिंडोरी में आश्रम बहुत कम है, हम देख रहे हैं बहुत आश्रम है यहाँ पर, तो आश्रम है पर सेवा कोई जगह नहीं है, सेवा की जगह नहीं भाई। जो डिंडोरी वाले लेके देते हैं नर्मदा मंदिर में जी, और नर्मदा मंदिर में क्या है गृहस्थी है जी, अब गृहस्थी लोग वहाँ गृहस्थी लोग की भीड़ लगी वाली है, मतलब यहाँ एरिया के जो बाबा बन के घूम रहे हैं डब्बा लेके वो सब उन्हीं की वहाँ सेवा है। अब परिक्रमावासी आया भी तो समय पे आ गए तो उसको मिल गया जी, नहीं तो फिर वो इधर उधर जमा लिया अड्डा तो उधर साधु भी रहते हैं कुटिया में, अब उनके उनके पास सेवा की व्यवस्था कोई नहीं है, पर जाता है तो भूखे तो भी नहीं जाने दें, पर व्यवस्थित रंग का नहीं है वहाँ नर्मदा में वो चीज़ है। अपना भगवान संत जीवन कितना हो गया? और यहाँ है तो यहाँ से वो अंकाड़ा से के आगे आश्रम है वहाँ रुकते हैं, रत्ना के क्या नाम गांव का नाम है, वहाँ रुकते हैं, वहाँ से सीधे यहाँ जाते हैं, यहाँ से नानडिंडी चले जाते, वहाँ भी आश्रम है, तो वहाँ के भी लड़के वहाँ आश्रम के में ला के डालते चलती रहती वहाँ भी, और वहाँ से फिर एकदम अमरपुर तक के आगे चलते जैसे चलता हूँ नसीब उनके, तो यहाँ से सेवा अच्छी हो जाती है, तो यहाँ से ज़्यादा फिर अभी हमारा पता मिल जाता है अमरकंटक में कि वहाँ पर कम से पूछते कि आगे कौन सा आश्रम है क्या है, तो बता देते कि फलान जगह वो है, ढिकान जगह वो है, ढिकान जगह वो है। अच्छा अच्छा, तो वो वहाँ से कागज़ में नोट करके फिर कितना यहाँ परिक्रमावासी रुकते भी होंगे भगवान? रुकते हैं ना, तो रुकने की व्यवस्था सब मंदिर है बहुत लंबा चौड़ा, अंदर गद्दा बिस्तर सब रखे हुए हैं कि जिसके पास में बिस्तर की कमी है ओढ़ने की कम साधन वो भी रखा हुआ है। अच्छा, ये फोम वाले गद्दे हैं 3-4-5 बिछा लो उनके ऊपर सो लेटो आराम, भोजन पानी सब हो जाता है, लकड़ी कंडा सब व्यवस्था है। अच्छा अच्छा, वो लोग अपना खुद ही बना लेते होंगे? हाँ अधिक जने तो बना लेते हैं, एक दो जने तो अपन अपने साथ बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, अब अधिक जने हैं तो भैया सामान लो बनाओ खाओ। संत जी में कितने समय हो गए? हमारा तो 50 साल के आजू बाजू हुए। 50 साल अरे काफ़ी हो गया। चलिए भगवान बहुत अच्छा लगा ये जानकर के, बहुत खुशी हुई कि यहाँ से परिक्रमावासी भी निकलते हैं। परिक्रमावासी
गए वर्ष तो कम से कम 3-4 हजार पर कम वासी निकला। अच्छा अच्छा, एक एक दिन में 60-70 पर कम वासी है। तब तो जब परिक्रमा वासियाँ आने लगते होंगे तब तो बड़ा रौनक रहती होगी सुबह शाम। रौनक तो रहती है, आनंद ही आनंद आता होगा। अभी इस वर्ष एक निकला है मात्र पर कम वासी अभी। अच्छा, अभी तो स्टार्टिंग हुई भगवान। हाँ तो एक निकला है, और अब अमरकंटक से उठाने वाले अब आएंगे एक दो रोज में। अब आएंगे एक दो दिन में। हाँ, अमरकंटक यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर है। हाँ हाँ, तो अब कल से आना शुरू हो जाएंगे। कल तीसरा दिन है, कल से आना शुरू हो जाएंगे। बाकी ये यहाँ के लोग जो यहाँ के एरिया के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर डिंडोरी भागेंगे। अच्छा अच्छा, इधर से कम आते हैं। जो बाहर का आदमी आता है, बाहर का जो आदमी आता है तो सीधी सीधी ताड़ता है, फिर सीधे सीधे निकलता है, शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, अभी तो होली तक के थोड़े कम रूप में चलेंगे परिक्रमावासी। जी जी, क्योंकि अभी जैसे इधर नीचे उठाए तो वो नीचे ही भागेगा जिसने परिक्रमा उठाई है। अपने पास में आएगा मात्र अमरकंटक परिक्रमा उठाने वाला। अच्छा। यहाँ आएगा और उस तरफ से उठाया वो भी आएगा, तो वो लेट आता है घूम के। और इस तरफ से जो उठाते हैं तो नीचे ही भागते हैं, तो इनका उधर जाकर उधर से लौटते में फिर चलते तो उधर बुलाकर थोड़ा तक फिर भीड़ चलती है। होली तक के ज़रा कम जोर चलती है, होली के बाद में फिर अच्छी कस के आ जाती है, तो भी 1-1.5 महीना 2 महीना फिर भरपूर चलती है। चलिए बाबू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और ये स्थान देख करके, ये स्थान तो हम समझ पाते। अब इस वर्ष तुम जमाते हैं अन्य क्षेत्र का यहाँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ अमृतोला वाले ने बोला कि बाबा हम खाना बना देते जाएंगे और कमासी आएंगे तो तब अन्य क्षेत्र का बोर्ड लगाएंगे जी। बस एक दो जने तो अपन बना के दे देंगे, ज़्यादा है उनको फ़ोन लगा देंगे, वो आके बना के खिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जमाएंगे उसको इस वर्ष। क्या अन्य क्षेत्र कम है डिंडोरी में? हाँ, अन्य क्षेत्र कम है। कम है अन्य क्षेत्र, मात्र इसमें नर्मदा मंदिर में ही है जी, पर वो अब मैंने बताया वैसे ही है। हाँ समझ गया, वहाँ उनकी रहने खाने की सब जी जी, पर अब वो ऐसा है, चलो चल रही है जैसे चल रही है। फिर अपन उस बात को उठाने जाएंगे तो फिर वो रह नहीं पाएंगे। एक बार हुआ था ऐसा हमारे साथ में, नहीं बाबा ठीक है, जो एक बार हमारे साथ में हुआ था नर्मदा मंदिर में, हम कुंभ से आ रहे थे नासिक कुंभ से। अच्छा, अब रात भर हम ट्रेन में चले, हमने भोजन पानी नहीं पाया, और फिर दिन भर में यहाँ डिंडोरी पहुँचे जबलपुर से। इधर आप पहुँचे थे भूखे प्यासे, हम थोड़ा लेट हो गए थे ना, 10 बजे गाड़ी से आए थे। अब लेट हो गए, पंगत वंगत नहीं पट गई थी। अब आया तो हमने आसन लगा लिया, फिर खबर दी कोली माई को कि माई हम बाहर से आ रहे हैं, हम भोजन करेंगे। अब उसने हाँ बाबा बोल दिया, और उन्होंने अपना खाया पी बर्तन दीपक जलाया, सो गए। मेरा इंतजार करते रहा, भोजन नहीं आया, अब फिर सो गया मैं। अब मेरा 24-36 घंटे का उपवास हो गया पूरा। अब सुबह उठे थे 4:15 बजे, फिर हमने भी स्नान किया, किस बासन में बैठे अपने चंदन टीका करने लगे, और परिक्रमावासी भी जो थे तो उनने भी अपन गए नहाए धोए भी आए, और उनके लिए चाय बनी बस वालों के लिए, उनको सबको चाय बटी, हम बैठे थे, हमारे पास भी नहीं आई। अब उसका समय पूरा आ गया था, इसीलिए थोड़ा उल्टा उल्टा होने लगा। अब जब वहाँ से उठे सबको जाने दिया, फिर उठा, फिर बुलाए कोली भाई, पहले तो बाबा को बुलाया जो वहाँ रहता था, एक सन्यासी रहता था, उसको बुलाया मैं, क्यों रे तो कब से साधु बना है? फिर बताने लगा मैं इतने दिन से बनाऊँ फलाने ऐसा वैसा, तो मैंने बोला तुमने भोजन को पूछा मेरे को, मेरे को भोजन को पूछा कब से आया हूँ मैं, इसीलिए मैं तू जमा करता है क्या यार, नाम सेवा का नाम करके भी निकल यहाँ से, तुरंत उठा दे रहा तेरा। हाँ भाई, फिर उन्होंने डिंडोरी में फिर फ़ोन किया, फिर 2-3 दिन बिलैया सेठ की 2-3 दिन आया, बोले क्या? मैंने बोला मैं कल से 36 घंटा को भूखा बैठा हूँ यहाँ दरवाजे पे, इसके इसको यहाँ से ये आश्रम की चलाने लगनी है, सेवा करने लगनी, इसको यहाँ दूसरे साधु लग बैठा, इसको हटा यहाँ से अभी तुरंत, और नहीं हटाते हैं तो फिर हम हटाना चाहते हैं। बोला तो फिर मैं 2-4 10 ना लगा अभी उठवा देता हूँ इसको, क्योंकि सेवा नहीं करता, श्याम सेवा देखने के लिए तो आए थे, यहाँ सेवा कैसी होती है। फिर कहा सुनी भाई, फिर हाथ पाँव जोड़ा जोड़ी हुई, तुरंत खाना बनाया, तुरंत फिर गरम गरम खाना खिलाया दिया। फिर बोले बाबा ऐसा है, मत झगड़ा झासा करो,
चलने दो जैसे चल रहे थे, बोले वो चली जाए गए थे, आपको रहने वाले बाबा से कुछ थोड़ी होता है, बोले वो कोली माई की गलती है, बोले थे। मैं कहूँ ठीक है, कोली माई की गलती पर नजर तो रखना चाहिए साधु जी। बिल्कुल सही बात है। कंचनपुर वाले ओमकार की ओमकार था, फिर उन्होंने भी खूब समझाया बुझाया फिर लाया। बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आनंद आ गया। कोई भी आश्रम गड़बड़ दिखी तो हमको अधिकार है वो आश्रम को उठा पटक। ये तो साधुओं की सेना कही जाती है नागा साधु। जहाँ गड़बड़ दिखी वहाँ उठा पटक कर सकते हैं, पर ऐसा है अपने को जीना खाना है, सबके बाद में प्रेम से निभना, क्या है लेना देना। पर जहाँ सेवा का लिखा हुआ है तो वहाँ सेवा होना चाहिए। महाराज जी चल रहे हैं सबकी चिंता रहती है संत भगवान को। चलिए भगवान, स्थान में बहुत प्यारा लगा आपका। नहीं स्थान तो स्थान लगा दिए, यहाँ पंच सिद्ध है। पंच सिद्ध? हाँ पांच सिद्ध है यहाँ। अच्छा, तो इसीलिए सिद्धेश्वर घाट कहते हैं। हाँ यहाँ पांच सिद्ध कौन कौन से भगवान? अब नाम वाम तो अपने को भी नहीं मालूम बाबू। अच्छा, ऐसा कहा जाता है? कहा जाता नहीं, देखा है हमने, कहने वाले भी एक ही सिद्ध बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाकी हमने यज्ञ किया था उस समय पांचों प्रकट हुए थे तब पता चला था हमको। अच्छा, महारुद्र यज्ञ हुआ था तब पांचों प्रकट होकर पांचों ने यज्ञ पूरा किया था। महारुद्र यज्ञ हुआ था। बहुत अच्छा स्थल लगा मुझे। आपने इतना कीमती समय निकाल के मुझे दिया, ठीक है। हम जैसे फालतू के व्यक्ति के लिए तो भजन से इतना टाइम निकाल करके हमें आपने दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। अब हमारा तो ऐसा है, सब सबके साथ में रहना पड़ता है, हमको सबको समय देना पड़ता है, जो जितना है पाँच जिस भाव से आए वो, पर पाँच मिनट का समय उनको जरूर देना पड़ेगा। जब अपने स्थान में अपने से आओ भगत नहीं करी तो फिर क्या रहा है जीवन में? यही तो सब साथ में जाता है, दूसरा क्या जाता है? प्रेम, प्रेम ही सबसे बड़ा होता है। अगर इंसान के प्रति इंसान के अंदर प्रेम नहीं उठा तो फिर किससे? जानवर से भी प्रेम करोगे? और साधु संत तो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। नहीं वैसे ममता तो सब पे होती है, ऐसी कोई बात नहीं, पर जिसका जहाँ तक कि उनका अधिकार है वहाँ तक उनसे प्रेम करना पड़ता है, इंसान से अधिकार। और सबसे पहले जो तो जीव मात्र से प्रेम किया जाता है। स्पीकर में तो जा रंग लगा। चलिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।